अब हम टेंसेसिस का जो है वो रिव्यू लेना चाह रहे हैं एक दोबारा तो आइडेंटिफिकेशन इसकी है प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारे पास कितने टेंसेज होते हैं ट्वेल्थ टेंसेस पास इंडेफिनेट फ्यूचर इंडेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस पास कंटीस फ्यूचर कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पास परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अब प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है उसकी पहचान है ता है ती है ते है पास ही अले छोटी है बड़ी है फ्यूचर की गा गी गे और प्रेजेंट कंटीन्यूस की रहा कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है काम जारी है चल रहा है तो इन तीनों में कॉमन है रहा 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 अब रहा जब प्रेजेंट का है तो ज़ाहिर उसके आगे हा है आएगा और जब वो पास का है तुम्हारे पास था आ जाएगा और जब वो फ्यूचर का है तुम्हारे पास होगा आ जाएगा इसी तरीके से हमारे पास लास्ट ये नेक्स्ट वन है परफेक्ट तो परफेक्ट की पहचान चुका है या फिर लिया अब जब वो प्रेजेंट की बात करेगा तो उसके आगे है आ जाएगा और पास की तो था होगा इसी तरीके से और ये जो लास्ट वन है परफेक्ट कंटीन्यूस तो इसमें हमारे पास क्या है कि रहा हमारे पास यही आता है इसकी पहचान जो है उर्दू पहचान यही है लेकिन हमें इसमें यूजेस टाइम पीरियड दिया जाता है सेंस यूज़ होता है और फॉर यूज़ होता है ना ही आइडेंटिफिकेशन हो गई उसके बाद हम हमारे पास है फॉर्मूलाज अब फार्मूलाज को डिस्कस करने से पहले आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए तीन चीज़ें क्या हैं वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट किससे कहते हैं काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं वर्ब कोई भी काम है ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा है जैसे मैं स्कूल जाता हूँ तो मैं काम कर रहा है सब्जेक्ट है स्कूल ऑब्जेक्ट है क्योंकि उस पर काम हो रहा है और जाना क्या है वर्ब है नो प्रेजेंट डेफिनेट का फार्मूला हमारे पास क्या है सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट नो वट इज़ वी वन वी वन इज अ वर्ब वर्ब को हम वी वन कह रहे हैं ओके okay? सब्जेक्ट हमें पता है क्या है ऑब्जेक्ट भी हमें पता चल गया है ना सेकंड वन इज फास्ट इन डेफिनेट सब्जेक्ट प्लस वी टू यहाँ पर क्या है वी टू प्लस ऑब्जेक्ट नो वॉट इज वी टू फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि प्रेजेंट डेफिनेट का मैं सेंटेंस बनाऊंगी आई आई ईट Food. Okay? और जब मैं इसको पास इनडेफिनेट में डिस्कस करूँगी तो नाउ वी टू वी टू इज दर्ड मतलब ईट की सेकेंड फॉर्म हमारे पास क्या जाएगी एट तो सेंटेंस में क्या चेंज होगा सिर्फ ईट की जगह क्या लग जाएगा एट लग जाएगा लेकिन बी रिमेंबर इस बात को याद रखें कि सिर्फ अपर्मेटिव फॉर्म में आपने सेकेंड फॉर्म लगानी है सिर्फ अपर्मेटिव यानी पूरे टेंसिस में अगर कहीं सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही है तो वो पैस...

प्लस आई एन जी इट्स मीन वर्ब प्लस आई एन जी वी ओके उसके बाद हमारे पास था हेल्पिंग वर्ब अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस हमारे पास आते हैं एज एम आर पास कंटिन्यूस में हमारे पास आते हैं वर्ड्स वर्ड फ्यूचर के तो हमारे पास विल ऊपर विल शेल होता है यहाँ पे विल बी शेल बी यूज होते हैं ओके okay? पास कंटीन्यूस में हमारे पास सेम ही रहेगा सब कुछ सेम रहता है कंटीन्यूस में बहुत ईजी टेंस है सिर्फ आपको पहचान उर्दू पहचान के जरिए आपको पहचान है और फॉर्मूलों में ये यूज़ करने है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने ओके okay? उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट नाउ व्हाट इज़ वी थ्री वी थ्री इज़ दर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इट्स मीन ईट की थर्ड फॉर्म क्या है एटेन तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं आई ईट फूड को अगर मैं ऊपर जो मैंने सेंटेंस बनाया अगर मैं इसको यहाँ पर चेंज करूँगी तो आई इटन फूड अब अब कहीं मैं मैंने यहाँ गैप छोड़ा है तो ये जो गैप छोड़ा है वो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आई के साथ हैव लगेगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज यहाँ पास के पास हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है पास परफेक्ट के हैड ओके फ्यूचर परफेक्ट के हमारे पास है विल

हमारे पास पास्ट है उसमें भी यही है तीनों का सेम है अब आप कहेंगे कि ऊपर भी हमारे पास ये था नीचे भी यही है लेकिन यहाँ पे क्या है इसके हेल्पिंग वर्ड चेंज होंगे इसके हेल्पिंग वर्ड हैज बीन हैव बीन ओके सो हैड बीन और यहाँ पे क्या है विल हैव बीन है ठीक okay? तो यहाँ तक हमारे पास थे ये फार्मोलाज अब ये फार्मोलाज है अब अगर इनके नेगेटिव में मैं जाऊँ नेगेटिव बनाना चाहूँ तो प्रेजेंट डेफिनेट के लिए मैं नेगेटिव के लिए हम मैं यूज़ करूँगी डू एंड ओके okay? और पास इंडेफिनेट के लिए मैं यूज़ करूँगी डेड फॉन नेगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए मैं ये डू डस यूज़ करूँगी प्रेजेंट में अब पास में हम पहले से इन डिटेल पढ़ चुके हैं कि डू किसके साथ यूज़ होगा और डस किसके साथ यूज़ होगा और पास्ट इंडेफिनेट में हम डेड यूज़ करेंगे वो ऑल के साथ यूज़ होता है उसके बाद ये फ्यूचर इंडेफिनेट है इसमें आपको कोई हेल्पिंग वर्ब लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शेल और विल वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है और वो हेल्पिंग वर्ग और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर इसी के साथ नॉट लग जाता है वॉस में भी इसी के साथ नॉट लग जाता है विल बी शेल बी नॉट एज इट इज़ आ जाएगा हैवेज में भी एज़ इट एज़ हेड में भी तो बाकी सब में हमारे पास नाट आ जाते हैं जा। जैसे इसको बनाएंगे तो हेज़ ना हेज़ बी नाट नहीं हुआ हैज़ नाट बीन हैज़ और बीन के दरमियान में आप नॉट लगा देंगे ओके अल्लाह हाफ़